व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिवलेंट एजुकेशन। कल यूपी पीसीएस ने अपना कैलेंडर जारी किया है, न्यू कैलेंडर, जिसमें इन्होंने एग्ज़ाम डेट्स सभी मेंशन कर दी हैं जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे। लेकिन ये कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि लास्ट में इन्होंने एक लाइन में लिखा है, विशेष परिस्थितियों में तिथियों में जो आपकी जितनी भी तिथियाँ हैं परीक्षाएँ की, सब में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जिस हिसाब से कोरोना के केसेज होंगे, उस हिसाब से ये लोग बाद में करेंगे। हालाँकि एक आइडिया आपको मिल जाएगा इससे। तो हम लोग मेन मेन एग्ज़ाम देख लेते हैं जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा हैं। पहला आपका हो गया बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा 16 अगस्त को होगा। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर आप देख लीजिए 23 अगस्त को, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर। फिर अगर आर ओ ए आर ओ हम लोग देख लेते हैं, समीक्षा अधिकारी आर ओ ए आर ओ 2016 वाला जो एग्ज़ाम है इनका, ये होगा 13 सितंबर को। और अगर हम समीक्षा अधिकारी का मेंस देखते हैं 2016 वालों का, तो ये होगा 22 दिसंबर से। तो इनकी ज्वाइनिंग होते होते तो 2022 आ जाएगा, 6 साल में बताइए एग्ज़ाम का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ये स्थिति है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं पीसीएस के मेंस की, 2019 वाला था सहायक वन संरक्षक वाला, 19 सितंबर से होगा पीसीएस मेंस। फिर देखिए पीसीएस प्री 2020 वाला जिन्होंने फिल किया है, 11 अक्टूबर डेट दे दिया है। आप जानते होंगे आईएएस की भी प्री की डेट आ गई है यूपीएससी द्वारा, तो 4 अक्टूबर को आपको आईएएस वाला होगा और 11 अक्टूबर को आपको पीसीएस वाला होगा। एक तरीके से मैनेज हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। फिर खंड शिक्षा अधिकारी का देखिए मुख्य परीक्षा आप देख लीजिए, इसकी भी डेट आ गई है 6 दिसंबर इसकी डेट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने आपको ये अपडेट प्रोवाइड की है, एक इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी अपना करिए, ठीक है। हालांकि चेंज हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि अब इससे ज़्यादा विकट स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दी है, आप इसको ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 9 जून का ही है, कल ही इन्होंने अपडेट किया है शाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।